और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज का हमारा स्लोगन है सबका विश्वास। जो हमारे मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो स्लोगन है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, वैसे ही मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी नया स्लोगन है सबका विश्वास। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम आया हुआ है उसमें उनका एजेंडा भी यही लगता है। तो आज मैं और मेरे मित्र अमित आज हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि ये स्कीम क्या है, कैसे अप्लीकेबल है और कौन कौन से लोग इसके बेनिफिट ले सकते हैं और कौन कौन से लोग बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इंडिया में देखा गया है कि हमेशा इस तरह की स्कीम कभी ना कभी आते रही है अमित, और सक्सेस रेशियो भी हम बात करें। खैर आपको क्या लगता है कि इसका ऑब्जेक्टिव था कलेक्शन करना या डिस्प्यूट कम करना या दोनों? दोनों ही ऑब्जेक्टिव थे। एक तो गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाए, आगे डेवलपमेंट काम में लगाए, तो ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ही। साथ साथ गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि लोगों के पास डिस्प्यूट कम से कम हो, वॉलंटरीली लोग अगर डिक्लेयर कर देते हैं अपने ड्यूज तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इंडिया में तो ऐसे भी डिस्क्लोजर में हम लोग थोड़े से पीछे रहते हैं, वॉलंटरी डिस्क्लोजर तो बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पे हमारा जो रास्ता है ना वो डिफिकल्ट है। खैर गवर्नमेंट ने अगर 4 महीने का टाइम दिया है, यानी 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बार ये विंडो क्लोज हो गया तो ये स्कीम आप फिर से वापस नहीं ले पाओ। तो चलिए आप बात करते हैं कि अमित ये कहाँ कहाँ कवर करेगा, किस तरह के लिटिगेशन को कवर करेगा उस पर एक बार मुझे बताइए, और साथ के साथ ये भी बताइए कि इसका डेट जो आपने ऑलरेडी बताया एक बार फिर से मुझे डेट स्टार्टिंग कब है और एंडिंग कब है। सो डेट से अगर शुरू करें तो 5th August 2019 से ये फाइनेंस एक्ट में निर्मला सीतारमन जी इसको लेकर के आई थी, और इसका 30th June से पहले के जितने केसेस हैं वो सारे केसेस यहाँ कवर्ड होंगे। किस पीरियड की अगर हम बात करें तो 1st September 2019 से लेकर के 31st December के बीच का विंडो खुला हुआ है, इसमें आप जाकर के वॉलंटरली इस चीज को डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें कवर कौन कौन, अगर मुझे कोई नोटिस आया हुआ है या मैंने अपील कर रखा है तो किस किस को स्पेशली कवर किया गया इसमें? वो तमाम लोग जिनके अपील्स पेंडिंग है वो लोग, चाहे वो, और इसमें सोकोज नोटिस वाला भी है, सोकोज नोटिस वाला इशू। तो कहने का मतलब अगर आपको कोई सोकोज नोटिस यानी कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आया हुआ है किसी तरह के पेपर के लिए या डिस्क्लोजर के लिए तो उस नोटिस को भी आप अवॉइड करके अगर आप कुछ वॉलंटरी डिस्क्लोजर देना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ के साथ अगर आपका कोई अपील पेंडिंग है लेकिन याद रखिए 30th June के पहले का और अमाउंट क्वांटिफाइड होना चाहिए, अमाउंट क्वांटिफाइड। इवन कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है उस केस में भी हम कवर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? उस केस में कवर हो सकते हैं बशर्ते कि क्वांटिफाइड अमाउंट हो। क्वांटिफाइड कहने का मतलब यह है कि मेरा जो भी लायबिलिटी था वो डिक्लेयर, मतलब वो क्लियर हो चुका हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी जो भी लायबिलिटी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑडिट कुछ चल रही है और आपका अमाउंट क्लियर है लेकिन फिर से 30th June के पहले का, उसके बाद का कवर नहीं होगा। बिल्कुल। साथ के साथ अगर आप कोई वॉलंटरी डिस्क्लोजर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हम बताएंगे कि उसके घाटे क्या है लेकिन फायदा ये है कि पेनल्टी वॉलंटरी तो बची जाएगा, प्रॉब्लम आपको कम। कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो आपको पेनल्टीज नहीं देने पड़ेगी, लेट फाइलिंग नहीं देने पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन में आप जाने से बच जाएंगे, आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत सारे फायदे हैं। चलिए उसमें तो आते हैं, पहले ये बताइए कि क्या क्या कवर नहीं होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो इसमें दो मेजरली हम बोल सकते हैं कि 4th Schedule में कवर्ड आइटम जैसे पेट्रोल प्रोडक्ट हो गए, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, उनसे रिलेटेड अगर कोई केसेस है वो यहाँ कवर नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई कन्विक्टेड है उनका भी कवर होगा या नहीं होगा? नहीं, कन्विक्शंस के लिए भी स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है कि ये कन्विक्शंस वाले केसेस भी यहाँ इंक्लूड नहीं होंगे। और जो सेटलमेंट कमीशन में है वो भी कवर नहीं होंगे, जो अगर आपके कोई केसेस सेटलमेंट कमीशन में है। और रिफंड का क्या है, रिफंड भी कवर होंगे अगर वो भी एक्सक्लूडेड है रिफंड के केस, यानी कि एरोनियस रिफंड अगर कोई है तो, यानी कि चार तरह के हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, टोबैको रिफंड हो गया, उसके अलावा सेटलमेंट कमीशन हो गया, या किसी भी तरह का कोई कन्विक्शन हो रखा हो तब भी आप कवर नहीं करें। यानी कि ये लोग ऐसे हैं जो एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब मुझे जरा बेनिफिट बताइए, जो आप पहले बता रहे थे फिर से मुझे रिपीट करिए कि बेनिफिट क्या क्या है और किस अमाउंट पे, अगर वो भी आपको ध्यान होगी किस अमाउंट पे क्या फायदे हैं तो वो भी एक बार मुझे बताइए। बेनिफिट्स देखिए, बेनिफिट जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ को 4 बेनिफिट्स तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगे। पहला कि आपको किसी तरीके का लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा, पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो जनरली जो देखा गया 18-30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो अगर कोई पेनल्टी आपकी ड्यू है तो आराम से पे करें, खत्म करें, रादर कि आप किसी तरह के डिस्प्यूट में जाए। मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि अगर आपकी लायबिलिटी है देखे अनवांटेड आप लिटिगेशन में ना जाए, नहीं तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट ने एक अच्छा विंडो दिया, लीजिए आगे निकलिए। अब मुझे एक पता है कि इसमें कंडीशन था 50 लाख से नीचे और 50 लाख के ऊपर एक कंडीशन है, दूसरा एक है कि क्वांटिफाई हो गया हो, तो दो कंडीशन उसी में, तो उसको भी जरा एक बार एक्सप्लेन कर दे मुझे। तो जो अमाउंट का क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर 50 लाख से ज्यादा की लायबिलिटी आपकी बनती है
तो आपके अलग एग्जम्पशन से 50 लाख से कम की अगर आपकी लाइबिलिटीज हैं तो उसके लिए अलग है। तो फॉर एग्जांपल दो चीजें यहां भी है कि अगर आपका केस अपील में है तो अलग सिनेरियो है, अगर आपका केस डिसाइडेड केस है या बिल्कुल क्लियर है कि कंफर्म डिमांड का केस है तो अलग है। तो मैं शुरू करता हूं पहले कि अगर अपील लेकिन में इसमें है, फिर तो एक चीज और जोड़ू कि 30 जून के पहले ये भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कभी ना भूले कि जो कंडीशन है 30 जून का ही है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर उसके बाद का हुआ तो ये जितनी भी कहानी है आपके लिए कहानी है, बिल्कुल जुमले हैं आपके लिए, हाँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो तरीके के रिलीफ्स का जिक्र होता है, एक ये कि आपकी लायबिलिटी 50 लाख से ज्यादा की है और दूसरा ये कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 50 लाख से कम की है। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 50 लाख से ज्यादा की है तो आपको 50% की एग्जम्पशन है और 50% आपको पे करना है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपकी लायबिलिटी 50 लाख से कम है तो गवर्नमेंट आपको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन देती है और आपको 70% की एग्जम्पशन है, मात्र 30% पे करना है। तो लेट्स से कि अगर आपकी 20 लाख की लायबिलिटी है तो आपको 20 लाख भी नहीं पे करने हैं, आपका केस पेंडिंग था, आपके केस चल रहे थे, आपकी 20 लाख की लायबिलिटी थी, अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो आप जस्ट 30% दे करके यानी मात्र 6 लाख रुपए दे करके केस क्लोज करा सकते हैं। सही बात है। और दूसरा हमारा कंडीशन है कि अगर आप ऑलरेडी अमाउंट क्वांटिफाई है तो ये अमाउंट जो बेनिफिट है वो 60% और 40% हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी आपको बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया गया है। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप में किसी भी तरह का कोई लिटिगेशन चल रहा है और 50 लाख के नीचे, तो समझदारी इसी में है कि पैसा पे करें और बाहर निकले, डिपार्टमेंटल झंझट में ना पड़े, ये आपके लिए कभी अच्छा नहीं होगा। अब एक चीज़ बताएं अमित, अगर मैंने वॉलंटरी डिस्क्लोजर किया तब मुझे ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये तो दो केसेस थे कि पेनाल्टी में फंसे हुए या मेरा अमाउंट क्लियर हो चुका है, लेकिन अगर मैं खुद गया और मैं कह रहा हूँ कि मैंने इतने की चोरी की है या मैंने इतने का, क्योंकि ये तो चोरी है, आपको तो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, तभी तो ये बेनिफिट है, ठीक है, तो इसको अदरवाइज ना लेके चोरी में बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हैं कि इतने की मैंने किसी रीजन से डिमांड पे नहीं किया, तब मेरा क्या क्या ये बेनिफिट मुझे मिलेंगे? सो बैलेंस शीट में अगर आपकी लायबिलिटी दिखाई दे रही है तो आपको पे करना है, आपको किसी तरीके का रिलीफ नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टीज से बच सकते हैं, लेकिन एग्जम्पशन किसी तरीके का रिलीफ किसी प्रोसिक्यूशन से बिल्कुल बच सकते हैं, मतलब आपको किसी भी तरह का लिटिगेशन नहीं होगा। तो आई थिंक ये एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है आपको काम करने के लिए। और हिमांशु एक चीज और बता दूं कि गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड पोर्टल बना रखा है, उस पोर्टल पे जाकर के आप अपने केस को स्टेटस देख सकते हैं, प्लस वहां पर केस को क्लोज करा सकते हैं, और एक बार आपने केस क्लोज करा दिया तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, उस पर्टिकुलर केस मैटर के लिए आपका वो केस फिर कभी नहीं खुलना है, एक बार क्लोज मतलब बॉक्स क्लोज। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ना सोचें कि आपने डिस्क्लोजर दिया 2014-15 का, लेट्स ज़ूम, और 12-13 में कोई प्रॉब्लम थी, तो ये भ्रम में ना रहेंगे ना कि आपके सारे केसेस क्लियर हो गए। तो ये बहुत क्लियर समझ ले कि आपने जिस पार्टिकुलर पीरियड या जिस पार्टिकुलर मतलब जो भी अमाउंट था ये उसी के लिए था, आप ये भ्रम में ना रहें कि मैंने 5 साल कुछ गड़बड़ी की है और 1 साल पे कर देते हैं, 4 साल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साथ के साथ इसके पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन और कितने दिन के टाइम होती है? हाँ, ऑनलाइन मीडियम है इसका पेमेंट का। और एक चीज बता दूं जरूर कि इस पेमेंट करते टाइम पे आपको 30 डेज का विंडो दिया है, यानी एक बार अगर आप डिक्लेयर करते हैं कि मेरी लायबिलिटी इतनी है, गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे रही है, तो 30 डेज के विद इन आपको ये अमाउंट क्लियर करने हैं, किसी तरीके का इंस्टॉलमेंट स्कीम वगैरह भी नहीं है, एट वन गो आपको पेमेंट करनी है और करनी ही है, ठीक है। इसमें फाइनल डिसीजन में एक चीज और होता है अमित, कि आपको 60 डे में कम्युनिकेट कर दिया जाता है और कुछ केसेस में आपको प्रेजेंट होने की जरूरत हो सकती है, बशर्ते रिक्वायरमेंट हो तब, ऐसा नहीं कि आपको जाके प्रेजेंट होना है, ऐसा नहीं, क्योंकि इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। तो अमित, ये क्या लगता है कि सबका साथ सबका विकास है या सबका विकास या सबका साथ, क्या क्या लगता है? विकास भी होगा, सबका विश्वास भी बढ़ेगा और चीजें काम करेंगे, जरूर करेंगे, अच्छे दिन जरूर आएंगे। जरूर आएंगे, उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन सबके आए। और अभी तो फिलहाल जो बिजनेसमैन जिनकी लिटिगेशन थी, अच्छा एक चीज और बताएं, अब यहाँ पे पता नहीं, बहुत लोग मेरी चीज़ों से डिसएग्री भी हो सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आदमी शायद ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं, चलिए फिर भी इसको हम पूछते हैं, जैसे कि मैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर हूँ, जो बार बार ये बात आता है जब हम लोग बैठते हैं लोगों के साथ, तो उनका कहना कि फिर ऑनेस्टी का फ़ायदा क्या हो? अगर मैं चोर रहता तो मुझे डिस्काउंट भी मिलता, प्रोसिक्यूशन भी बच जाता, तो कहीं ये नहीं लग रहा है कि आप इस तरह के स्कीम लाने से, क्योंकि ये चर्चा हमेशा दो तरफ से चलती है कि उन लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं जो मतलब जो इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, या तो कहीं ये नहीं लग रहा है कि जो जो आदमी जिसने
जो भी टैक्स था उसने टाइमली पे किया, जो इंटरेस्ट भी हो सकता है कि उसने डिले के लिए पे किया हो और ऑनेस्टी के साथ काम किया, उसके बाद भी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उसके साथ बदसलूकी करी जाती है कुछ टाइम, मैं हर बार नहीं कह रहा हूँ, तो उनका क्या उनके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है, मन में एक कहते हैं टीस रह जाएगी कि हाँ यार मैंने किया, लेकिन कोई नहीं, पास्ट में भी है ना, हमारी इकोनॉमी में इससे पहले भी इस तरीके के हुए, बाकी देशों में भी ये सारी चीजें वो तो चलती हैं, लेकिन वो टीस तो रहेगी, जिसने ऑनेस्टली जिसने टैक्स पे किया है उसके लिए जरूर रहेगा कि मैंने क्यों किया। लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट को, एक तो रिकवरी करने के पॉइंट से, और दूसरा अगर ये भी देखे कि जितना जल्दी लिटिगेशन खत्म हो जाए डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा, डिपार्टमेंट का बर्डन कम हो जाता है, और वो क्या लिटिगेशन की वजह से बहुत चीजें फंसी रह जाती। तो खैर आज के लिए सब इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी सबका विश्वास बनाए रखेंगे, जैसे कि सबका विश्वास बनाने के लिए गवर्नमेंट एक्सेप्ट जो भी स्टेप लेने की कोशिश कर रही। तो टैक्स फॉर वेल्थ में आज के लिए हमारा इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन बताना जरूर रखें, और जो भी आपके जो फ्रेंड जो इस सर्कल में इस तरह की कोई मतलब उनकी प्रॉब्लम चल रही है तो उनको वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।